और एक और अहम अपडेट देते हैं आपको। आज भोपाल दौरे पर रहेंगे उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें कि सेंट्रल जोनल काउंसिल की मीटिंग में शामिल होंगे योगी आदित्यनाथ। अमित शाह की सदारत में ये मीटिंग की जाएगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। चार रियासतों के वज़ीर आला इस मीटिंग में शामिल होंगे। 2024 पार्लियामानी इंतखाब को लेकर तैयारियों में जुटी है बीजेपी और इसी हवाले से इस मीटिंग को काफी अहम माना जा रहा है। सेंट्रल जोनल काउंसिल की मीटिंग में शामिल होंगे उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ भी। पुष्कर सिंह धामी भी इस मीटिंग का हिस्सा होंगे। कुल मिलाकर चार रियासतों के वज़ीर आला इस मीटिंग में शामिल होंगे। आपको ये भी बता दें कि वजीर दाखिला अमित शाह की सदारत में ये मीटिंग मुनक्किद की जा रही है। भोपाल में ये मीटिंग की जाएगी। सेंट्रल जोनल काउंसिल की ये मीटिंग है जिसमें उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी। ये मध्य प्रदेश को मिल रही है, इससे मध्य प्रदेश को बड़ा फायदा होगा। देखिए दूसरी बात, बड़ी बैठक जो ठीक 11 बजे से 1 बजे के बीच में रखी गई है, कुशाभाऊ ठाकरे जो हॉल है वहां पर, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस बैठक में मौजूद रहेंगे। ये मध्य क्षेत्रीय परिषद की 23वीं बैठक है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह इस बैठक को लेंगे और वो महत्वपूर्ण मुद्दे जो राज्यों के बीच में पारस्परिक अच्छे संबंध बने रहे, नक्सल जैसी समस्या से कैसे राज्य आपस में मिलकर निपटा जा सके, महिला सशक्तिकरण, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, ये जो आंतरिक मुद्दों को लेकर ये जो बैठक है मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक है वो तकरीबन 2 घंटे चलेगी। इसके बाद नेशनल फॉरेंसिक लैब यूनिवर्सिटी का भूमि पूजन केंद्रीय गृह मंत्री करेंगे और सबसे बड़ी सौगात पुलिस विभाग को मिलने वाली है। पुलिस देखिए जवानों के जो आवास हैं वो और कई थानों के भवन और इसके अलावा प्रशासनिक। तो हमारे साथी प्रमोद शर्मा तमाम अपडेट दे रहे हैं हमें इस खबर के हवाले से। सेंट्रल जोनल काउंसिल की ये बेहद अहम मीटिंग है और कई अहम सौगात भी आज यहां से मिलने वाली है आवाम को। सीएम योगी आदित्यनाथ, पुष्कर सिंह धामी समेत चार रियासतों के वज़ीर आला इस मीटिंग में शामिल होंगे। भोपाल में इस मीटिंग का इनेकाद किया जा रहा है। वजीर दाखिला अमित शाह की सदारत में ये मीटिंग मुनक्किद की गई। रविंद्र भवन, इसके अलावा नेशनल फॉरेंसिक लैब यूनिवर्सिटी का जहां पर भूमि पूजन करेंगे वो स्थल और कुशाभाऊ ठाकरे और विधानसभा, ये जो कार्यक्रम स्थल हैं वो वहां से 3 किलोमीटर की परिधि में किसी भी तरीके से ड्रोन या फिर नो फ्लाइंग जोन घोषित किए गए। पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात रहेगी, ड्रोन से पूरे इस एरिया की निगाह रखी जाएगी। लगभग 40 IPS अफसरों को उनकी सुरक्षा की कमान दी गई है। 3000 से ज्यादा जवान सुरक्षा में तैनात रहेंगे, चप्पे चप्पे पर तैनात रहेंगे। सुरक्षा व्यवस्था बेहद टाइट और पुख्ता है। कल हमने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एडिशनल पुलिस कमिश्नर सचिन अतुलकर से भी बातचीत की थी, उन्होंने पूरी जानकारी दी थी और महत्वपूर्ण भी है। देखिए कई रूट अमित शाह के ऐसे हैं जो सघन बस्ती है, तो वहां पर ड्रोन के जरिए निगरानी रखी जाएगी और नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। कई जो रोड हैं वो रास्ते बदले गए, डाइवर्ट किया गया यातायात, तो सुरक्षा तो पुख्ता है। देखिए बैक टू बैक कार्यक्रम है, 5 कार्यक्रम है अमित शाह के, और सबसे महत्वपूर्ण तो ये हो जाता है कि शाम को सीएम हाउस में डिनर भी रखा गया है। देखिए मध्य प्रदेश में जो इस समय जो सियासी देखिए चल रही है चर्चाएं, उन सब के बीच में और बीजेपी कांग्रेस के पॉलिटिकल पार्लियामानी इंतखाब 2024 के हवाले से भी ये मीटिंग काफी अहम मानी जा रही है। इसके अलावा आवाम को कई सौगात मिलने वाली। सेंट्रल जोनल काउंसिल की ये मीटिंग है। भारतीय जनता पार्टी की 4 रियासतों के वज़ीर आला इस मीटिंग में शिरकत करेंगे। भोपाल में इस मीटिंग का इनेकाद किया जा रहा है। हमारे नुमाइंदे प्रमोद शर्मा ने बताया कि इस मीटिंग को वजीर दाखिला अमित शाह की सदारत में कॉल किया गया है और इस मीटिंग के दौरान कई अहम मामलात पर गौर खोज किया जा सकता है। 2024 के पार्लियामानी इंतखाब के हवाले से इस मीटिंग को बेहद अहम माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ के अलावा सीएम पुष्कर सिंह धामी और 2 और रियासतों के वज़ीर आला इस मीटिंग का हिस्सा बनने वाले। बड़ा अपडेट दे रहे हैं आपको, तो आज भोपाल दौरे पर रहेंगे यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ। सेंट्रल जोनल काउंसिल की मीटिंग में शामिल होंगे और इस मीटिंग की सदारत वजीर दाखिला अमित शाह करेंगे।
चार रियासतों के वज़राए आला इस मीटिंग का हिस्सा बनने वाले हैं। काफी अहम ये मीटिंग है। 2024 को देखते हुए बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही, तमाम तैयारियां तेज रफ्तार में की जा रही बीजेपी की जानिब से। आज की इस मीटिंग में भी कई अहम मामलों पर इंतखाब को लेकर गौर व खोज किया जाएगा।